उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी पत्नी को पढ़ाई करवा कर उसको PCS अधिकारी तक पहुंचाया, लेकिन अधिकारी बनते ही पत्नी ने पति को ही धोखा दे दिया। बताते चले, पत्नी से धोखा खाने के बाद अब पति ने मीडिया से अपनी बात बताई है। बताते चले कि सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रतापगढ़ में तैनात है, और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में SDM पद पर तैनात है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। बताया जा रहा है कि SDM ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी भी कोर्ट में दे रखी है। वहीं ज्योति ने भी आलोक से तलाक की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि सफाई कर्मी पति आलोक की शिकायत पर DG होमगार्ड VK मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इस मामले की जांच सौंप दी है। जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था, और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर। और मेरे साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है, और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है। और आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए कथित वसूली लिस्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। हमने इस संबंध में UP के मुख्यमंत्री से अविलंब प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कर उत्तरदायित्व के निर्धारण की बात कही है। आलोक मौर्य के अनुसार यह पूरी तरह से सही वसूली लिस्ट है, जिसमें L का मतलब लाख और T का मतलब 1000 है। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से सारे तथ्य स्वतः ही सामने आ जाएंगे। इन स्थितियों में इस वसूली लिस्ट की जांच न किया जाना मौजूदा सरकार की जीरो टॉलरेंस के कथित नीति पर। साहिल R9 भारत।